हेलो फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट विद द क्लास ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग आसानी से ये देख सकते हैं. इस वीडियो में हमारी कोशिश ये होगी कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं, विल बी ट्राइंग टू कवर ऑल ऑफ देम. अक्सर स्टूडेंट्स एक कंप्लेंट करते हैं कि सर आप ज्यादातर हिंदी का प्रयोग कम करते हैं, तो मैं इस वीडियो में कुछ खास ध्यान रखूंगा कि मैं हिंदी का प्रयोग ज्यादा करूं. और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आगे की भी कुछ कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर राइट साइड पे मैंने इधर यूट्यूब का अपना लिंक दे रखा है. प्रेप मास्टर्स के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसमें साथ में जुड़िए. राइट, इससे क्या होगा कि कभी भी कोई भी चीज हमें आपसे शेयर करनी है, इवन ये वीडियो भी मैं आफ्टर दिस क्लास मैं उसको भी वहां पे पोस्ट कर दूंगा. इस वीडियो को भी हम वहां पे पोस्ट कर देंगे, ठीक है. फेसबुक पेज है हमारा, ये NBA बरेली के नाम से है, आप इस पे में भी हमसे कनेक्ट हुए. और टेलीग्राम चैनल अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले स्टार्ट करा है, दिस इज बाय द नेम NBA_बरेली. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इसमें ये लिंक पोस्ट करके आप हमारे चैनल से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं. कोई भी अपडेट होती है आजकल हम लोग टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले डालते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. वीडियो ट्यूटोरियल ऑन SSC एंड बैंक एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स. आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो ज्यादातर एग्जाम्स में आप ये पाएंगे कि ये काफी मतलब वेटेज रखता है. डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड होते हैं. तो आइए हम लोग आज देखेंगे इसको कैसे डील करना है. मैंने इसको 7 डिफरेंट टाइप में कवर किया है. मेरा ये मानना है कि अगर ये 7 टाइप आपको ढंग से आते हैं तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे. ये है हमारे 7 टाइप. पहला टाइप है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आपसे परसेंटेज पूछते हैं. ये सबसे आसान टाइप है, इसको कैसे डील करना है अभी एग्जांपल से देखेंगे. सेकंड टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन सेलिंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द सेम आइटम. आपने देखा होगा कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां की एक ही आइटम के डिफरेंट वैरायटी होते हैं, कि यहाँ कोई चावल है बासमती 20 रुपए किलो और दूसरा चावल है साबरमती 80 रुपए किलो, और उसके अलग अलग क्वांटिटी में लिया गया, उसको मिक्स किया गया और फिर सेल किया गया. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है ये हम सेकंड टाइप में देखेंगे. थर्ड टाइप में क्या है, सेम सेलिंग प्राइस इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज. ठीक है, सेलिंग प्राइस 2 आर्टिकल्स की सेम है लेकिन उसका जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है अगर वो इक्वल है तो ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इसकी बात करेंगे. कई बार ऐसा भी होता है कि दो चीजों की कॉस्ट प्राइस सेम होती है और इक्वल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, उसमें क्या करेंगे इसकी बात भी हम करेंगे. राइट, कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं थर्ड कैटेगरी में, मैं उसको रखूंगा, जहां की सेलिंग प्राइस तो सेम होती है बट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेजेस डिफरेंट होते हैं, तो उसको कैसे डील करेंगे हम इन सब को एक एक एग्जांपल क्वेश्चन के साथ देखेंगे. ठीक है, इस वीडियो में आप ये ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग जितने भी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, आप ये मान सकते हैं कि किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए आपका बेसिक तैयार हो जाएगा. ठीक है, देखिए फोर्थ टाइप में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉफिट व्हेन सेलर इज नॉट ऑनेस्ट. कई बार आप देखते होंगे कोई बेईमान व्यापारी होता है उसके ऊपर सवाल आता है कि कोई व्यक्ति है वो 800 ग्राम देता है 1 किलो की जगह पे और जितने का खरीदता है उतने का ही बेचता है, तो बताइए उसको कितने प्रतिशत का फायदा हुआ. इन फॉल्स वेट का यूज करता है ना, गलत बट्टे का यूज करता है. आगे क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस. देखते होंगे कोई आर्टिकल है वो किसी ने उसने बी को खरीदा, दूसरा आर्टिकल उसने सी को दे दिया. राइट, इस तरीके से कोई भी आर्टिकल अगर वो किसी को आगे भेज रहा है तो हमें ये समझ में आता है कि भाई वो आर्टिकल जो है किस तरीके से लोग उसको परचेज करेंगे. बुद्धा देव, हाउ आर यू डूइंग? अभी अभी बुद्धा देव जुड़ गए. राइट, सो बुद्धा देव वेलकम टू दिस चैनल. थोड़ा सा आप लेट हो गए, हालांकि आई एम श्योर कि अभी हमने बस 2 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट किए और नेटवर्क स्लो है सर. नो प्रॉब्लम. आप क्या 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 करना, आप अपना वीडियो ना म्यूट पे लगा लो, तो इससे क्या होगा थोड़ा सा जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन मोर. जहां पे भी आपको डाउट होगा इसमें एक चैट का ऑप्शन है, आप चैट से मुझे वो डाउट भेज सकते हो. ठीक है, अगर कुछ ज्यादा अर्जेंट हो मैं आपके चैट को अगर पढ़ के आपको रिस्पॉन्स ना करूँ
then you can also straight away unmute your video and you can directly talk to me. That is the best thing about this channel. Right, इसमें हम लोग directly face to face एक दूसरे को देख पा रहे हैं. Right, I can see you. आपके पीछे आपका बच्चा है and everything is very clear. Right. So let us continue with the tutorial. हम लोग ये discuss कर रहे थे कि ये सात type के questions अगर हम लोग करने लग जाएं तो फिर ज़्यादातर exams के questions आपसे हो जाते हैं. ठीक है. अब जैसे mark price है. राइट हम लोग इसमें बात करेंगे कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस. राइट इसकी बात मैं कर रहा था. इसको भी हम एग्जांपल से ही देखेंगे. सिक्स टाइप में होगा मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट्स. आप कई बार देखते होंगे कुछ क्वेश्चंस में ऐसा दिया होता है कि कोई शॉपकीपर है वो 10% का डिस्काउंट देता है उसके बाद भी 25% का मुनाफा कमाता है. तो बताइए उसमें डिस्काउंट कितना प्रतिशत देगा तो इतना मुनाफा कमाएगा. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अभी हमारे सामने आएंगे जिसको हम फेस करेंगे. लास्ट टाइप में हमने रखा है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम्स विथ रेशियो कैलकुलेशन. तो आओ एक एक करके इनको एग्जांपल के साथ करना शुरू करते हैं. हमारा पहला टाइप जो है डायरेक्ट दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस. राइट दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसमें बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. जैसे आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है. अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP minus ये कोई फॉर्मूला है. मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता. ठीक है. तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो है पीछे से कुछ लोग आवाज आ रही है तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ. राइट जो भी स्पेक्टेटर्स हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को म्यूट कर लें. म्यूट करने का ऑप्शन है. प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए तो काफी ईजी हो जाएगा मेरे लिए. Right, I can see Buddha Dev has joined, Oppo A9, Sadhana Sahu, Shivang. Right, there are some people who have already joined. मैं आप सबको म्यूट पे डाल रहा हूँ. ठीक है. इन केस अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है आप पहले चैट बॉक्स में जाइएगा और चैट कीजिएगा. ठीक है. Latin F I N ठीक है. सो लेट अस प्रोसीड अहेड. तो इसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि डायरेक्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं इनको कैसे डील करना है. राइट इन क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली कैसे डील करेंगे इसकी बात मैं कर रहा था. तो आई वॉज टेलिंग यू कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी इज डेफिनेटली इज कोई फॉर्मूला नहीं है. है ना. हम लोगों को तो इस बात को समझना है कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. राइट सिमिलरली अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस भी जो है सी पी माइनस एस पी. राइट कभी भी अगर हमारा जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से अधिक है तो ये लॉस का केस होता है. ये बेसिक चीजें हैं जिसको मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई बेसिक कोई फॉर्मूला है. लेकिन हाँ फिर भी किताबों में ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस क्लरिकल एग्जाम में या बहुत से जो आसान एग्जाम्स होते हैं बीएड एंट्रेंस वगैरह में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं. उसके लिए बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. अच्छा प्रतिशत की बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा करूंगा. जैसे ये जो प्रतिशत वाले जो क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट परसेंट तो आपको पता होना चाहिए आप चाहे जिस मर्जी चीज का प्रतिशत निकालें. राइट आपके पास परसेंटेज में दो चीजें होती हैं. एक आपका होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर. राइट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100 इज ऑलवेज इक्वल टू द परसेंटेज. चाहे जिस मर्जी चीज का परसेंटेज निकाल रहा हूं. अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो मेरे पास परसेंटेज प्रॉफिट में ऊपर क्या आएगा प्रॉफिट. राइट मतलब न्यूमरेटर हमेशा वो क्वांटिटी होती है जिसके बारे में सवाल में बात किया गया है. लॉस परसेंट की बात करेंगे तो न्यूमरेटर क्या बनेगा लॉस. और अगर डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे तो न्यूमरेटर क्या बनेगा डिस्काउंट. ध्यान रखिएगा न्यूमरेटर किसी भी परसेंटेज में वो क्वांटिटी होती है जिसके बारे में क्वेश्चन में बात की जा रही है. डिनोमिनेटर ऑन दी अदर हैंड वो क्वांटिटी होती है जिससे हम उसकी तुलना करते हैं. प्रॉफिट परसेंटेज में हम तुलना किससे करते हैं कॉस्ट प्राइस से. लॉस परसेंट में किससे तुलना करते हैं कॉस्ट प्राइस से. और डिस्काउंट परसेंट जब हम लोग निकालते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में डिस्काउंट देखते हैं मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस. एंड आई एम प्रीटी श्योर
दैट इन 200 ये वाली बात हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ही इन 200 करेंगे वी विल गेट द रिक्वायर्ड परसेंटेज. ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में आंसर निकालने में हेल्प करती है. एक और फॉर्मूला जो मैं अक्सर बताया करता हूँ, ये काफी काम का है, इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कई बार मिल जाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. क्या सीपी इज इक्वल टू एसपी इन 200 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. अगर प्रॉफिट परसेंट का केस है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस का केस है तो ये 100 माइनस लॉस परसेंट. इसको आप ध्यान रखेंगे, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल ही जाता है. सो टेक केयर ऑफ दिस. और आइए टाइप वन के बाद टाइप टू पे चलते हैं. टाइप टू हमारे पास है, राइट. टाइप टू में अगर आप देखें तो टाइप टू में प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन सेलिंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेम आइटम. ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं. देखो क्वेश्चन सॉल्व सबसे होता है, राइट. बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें समय कितना लग रहा है. और उसके लिए मैं स्ट्रांगली इस बात को मानता हूँ कि जो हमारा सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हमारा तरीका सही है तो हम क्वेश्चन सॉल्व जल्दी करेंगे और इफेक्टिवली करेंगे. जैसे ये क्वेश्चन मैंने सिंपल सा लिया है, लवण्या बॉट अ नंबर ऑफ रोजेज एट 4 फॉर अ रुपी, यानी 1 रुपए के 4 रोजेज वो खरीद रही है. ठीक है, 1 रुपए के 4 रोजेज, कितने नंबर लिए दैट इज नॉट क्लियर, राइट. कितने नंबर लिए दैट इज नॉट गिवन टू अस, अ नंबर, दैट नंबर इज नॉट नोन टू अस, प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. आगे क्या बोल रहे हैं, एंड एन इक्वल नंबर एट 2 फॉर अ रुपी, जितने ऊपर लिए उतने ही नीचे लिए. अब देखो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, मैं इस चीज को ऐसे लिखूंगा कि 4 रोजेज 1 रुपए के लिए और 2 रोजेज 1 रुपए के लिए. लेकिन कितने लिए ये वाली चीज हमें क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी सेम है. क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो उसमें ये ऐसा कह रहे हैं, एट व्हाट प्राइस शुड पर डजन शुड शी सेल देम टू मेक अ प्रॉफिट. अब देखो डजन की बात हो रही है, अब क्योंकि नंबर सेम रखने हैं तो कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे कि चीजें आसान रहें. जैसे इन दोनों को मैं अगर इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करूं और नंबर सेम रखने, राइट, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, मैं ऐसा करता हूँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे क्या हुआ 12 रोजेज ये बन गए और 12 रोजेज ये बन गए. समझने की बात यह है कि 12 रोजेज अगर ये हुए तो ये 12 रोजेज हमारे पास कितने रुपए के हैं, 3 रुपए के हैं. और ये जो 12 रोजेज हैं इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितने के हो जाएंगे, 6 रुपए के हो जाएंगे. टोटल आपने 9 रुपए के रोजेज लिए और ध्यान से अगर आप देखें आपने 24 रोजेज 9 रुपए के लिए, तो एक दर्जन रोज आपके पास कितने के हो जाएंगे, 4.5 रुपए के. ये बड़े आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया, राइट. अब आपसे बोला गया बताइए कितने का आप सेल करेंगे, सो दैट द प्रॉफिट इज 25%. नाउ दैट इज वेरी सिंपल, 25% इज व्हाट, 25% इज 1/4 ऑफ व्हाट, 4.5 का अगर आधा देखो तो 2.25, और 2.25 का अगर आधा देखो तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 1.125. So the final answer for this question is 5.625. एक दर्जन रोजेस कितने के बिकेंगे, 5.625. I hope it is clear. In case it is not, use the chat box and let me know. Please let me know in case you have any problem. Right? You can use the chat box. I can view your chat box. In case अगर कुछ भी problem है तो आप chat box use करके मेरे से पूछिए जो भी question आप पूछना चाहते हैं. ठीक है? Okay. So we'll proceed ahead. Next question की तरफ बढ़ेंगे. Next question हमारे पास है, ये पहला type था, हमने इसमें देखा कैसे use करना है. Next question की तरफ move करते हैं. Same selling price, okay, and equal profit loss percentage. ये थोड़ा आसान type का question होता है, हालांकि कई बार ये question अगर किसी ने पहले नहीं कर रखा है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. But अगर आपने कर रखा है तो इसका बहुत basic सा concept है. अगर आपके पास लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, और ध्यान रखना उसका सेलिंग प्राइस सेम है, राइट, सोल्ड दैट मींस द सेलिंग प्राइस इज सेम. अगर दो क्वांटिटीज का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे एक्स परसेंट का
आपको प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे एक्स परसेंट का आपको लॉस हो रहा है और आपको ये देखना है कि ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है, तो यू कैन बी वेरी श्योर दैट इट विल बी अ केस ऑफ लॉस। और इसका आंसर क्या होगा, लॉस कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। स्ट्रेट अवे यू कैन गेट द आंसर। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22। 22 का स्क्वायर करोगे कितना होता है, 484 डिवाइडेड बाई 100। व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 4.84%। इस तरीके से हम लोग इसमें लॉस देख सकते थे। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी अगर इस तरह के केसेस आते हैं आप स्ट्रेट अवे इसको यूज कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली, राइट। आप डायरेक्टली इसमें आंसर देख पाएंगे कि कितना परसेंट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ मूव करेंगे। आपने अगर पीडीएफ देखा है हमारे पास काफी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, टाइप सारे डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम कर पाए उतना अच्छा है। ध्यान रखना गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आप जितना प्रैक्टिस कर लो उतना बढ़िया है। जो ट्रिक्स टेक्निक्स आपको ट्रेनर्स बता रहे हैं दैट इज वेरी गुड, बट आप उनको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर पाओगे जो आपने प्रैक्टिस किया है। इस बात को बहुत क्लियरली ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ये हमारा है क्वेश्चन टाइप नंबर 4। इसमें क्या है, प्रॉफिट व्हेन सेलर इज नॉट ऑनेस्ट, बड़ा फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाले सवालों में से है, जब सेलर जो है वो ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो देखा जाए तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ। स्ट्रेट अवे आप इसका आंसर, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप स्ट्रेट अवे ऐसे लिख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एरर, जो भी एरर है, राइट। मैं इसका आपको अभी एक तरीका और भी बताऊंगा और वो जो तरीका होगा वो यूनिवर्सल तरीका होगा, वो हर जगह पे लागू होगा। ठीक है, ट्रू वेट माइनस द एरर, वट एवर इज द एरर, ठीक है, एरर अपॉन ट्रू वेट माइनस एरर इन 200। स्ट्रेट अवे यू कैन गेट द आंसर। अगर आप अप्लाई करना चाहो आप देख सकते हो सवाल, इस तरह के सवाल में अगेन आप स्ट्रेट अवे इसका आंसर निकाल सकते हैं। मर्चेंट प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी बट ही यूजेस अ वेइंग स्टोन ऑफ 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ अ केजी, फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम अगर इसमें देखना चाहें तो एरर कितना है, 100 ग्राम का, ट्रू वेट 1 किलो है यानी कि 1000 ग्राम है और एरर इतना है यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 900 ग्राम। 100 बटे 9 अगर आप देखेंगे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11.11%, राइट। स्ट्रेट अवे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना चाहें इसको ध्यान रख लें, राइट। इसके अलावा भी एक और तरीका मैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूंगा, आइए उसको देखते हैं। वो वाला तरीका कई जगह पे काम आएगा, सेवरल प्लेसेस, राइट। देखो ध्यान रखो अगर आप किसी भी टेक्निक को रट रहे हो, फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक आपने रटा है तो वो काम तो डेफिनेटली आता है, राइट। बट अगर आपने उसको समझा है तो वो कहीं पे भी काम आता है, राइट। उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं जिससे, जैसे कि आजकल के एग्जाम्स में हो रहा है, तो वो ट्विस्ट और टर्न्स भी आप आसानी से फेस कर लेते हो, उस पर आप आंसर तक पहुंच पाते हो। आओ देखो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ध्यान रखना अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ नीचे आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से सीखेंगे। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये देखिए कि क्वांटिटी कितनी है और सीपी और एसपी कितना है। अभी इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी इस पीपीटी में है, इस पीडीएफ फाइल में है, उसको भी हम लोग देखेंगे। दो चीजें हैं, एक तो हमारी होती है क्वांटिटी और एक होती है उसकी प्राइस। ठीक है, हमें देखना है जैसे जब वो खरीदता है 1 किलो, अगर वो जितने का खरीद रहा है उतने का ही बेच रहा है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है प्रोफेसर अ परचेंट प्रोफेसर टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी मैं मान लेता हूँ 1 किलो, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम मान लू क्वांटिटी को। ठीक है, प्राइस मैं मान लेता हूँ 100 रुपए। ठीक है, 1 किलो 100 रुपए का है। अब जितने का खरीदता है उतने का ही बेचता है, ठीक है, यानी कि एसपी भी कितना होगा, 100 रुपए होगा। और क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं एसपी के लिए तो ये यहाँ पे 900 ग्राम ही देता है 1 किलो की जगह पे। अब देखो व्हाट इज द प्रॉब्लम कि यहाँ पे क्वांटिटी आपके पास 1000 ग्राम है और यहाँ पे क्वांटिटी 900 ग्राम है, ये इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। ध्यान रखना किसी भी सवाल के लिए, चाहे वो डिसऑनेस्ट ट्रेडर पे हो या कोई और कॉन्सेप्ट हो, एक सिंपल सी चीज अगर आप ध्यान रखेंगे आपका क्वेश्चन कभी आपको परेशान नहीं करेगा।
आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि जिस क्वांटिटी के लिए आपने सीपी निकाला है उसी क्वांटिटी के लिए एसपी निकालना चाहिए, इसको वाई से वर्षा कह लो आप, जिस क्वांटिटी के लिए आपने एसपी निकाला है उसी क्वांटिटी के लिए आपका सीपी निकल के आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी वही बेसिक फंडा लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन को मैं ऐसे देख सकता था कि ये 1000 ग्राम है और ये 1000 ग्राम जो है ये हमारे पास क्वांटिटी है और एसपी में हमारे पास 900 ग्राम है, 900 ग्राम की जो विक्रय मूल्य है यानी कि एसपी है वो 100 रुपए है और 1000 ग्राम के इतना है। अगर 1000 ग्राम का सीपी हमारे पास इतना है तो ये बताओ कि 900 ग्राम का सीपी कितना होगा। 900 ग्राम का सीपी क्या 90 रुपए नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, बस काम खत्म। जैसे ही आपने क्वांटिटी को सेम किया नहीं, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब क्वांटिटी सेम हो गया, सीपी 90 और एसपी 100। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो? प्रॉफिट 100 रुपए में बेचा, 90 रुपए खरीदा तो प्रॉफिट है 10 रुपए का, और सीपी कितनी है आपकी? सीपी है 90 × 100 इज इक्वल टू द आंसर, यू विल गेट द सेम आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कई जगह पे काम आएगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ मूव कर रहा हूँ। आई अगेन सजेस्ट इन केस अगर कोई भी थोड़ी भी परेशानी आपको हो रही है आप चैट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, यू कैन सेंड मी मैसेज। मैं देखो आपको अभी पिंग कर रहा हूँ, राइट, आई विल जस्ट सेंड यू वन मैसेज हियर सो दैट यू कैन ऑल्सो इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज मैसेज मी हियर। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिसीव्ड दैट। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शन बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम्स। अब क्या है, जब एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं? देखो, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मान लो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर इस सवाल को आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कर पाओगे। सपोज करो जैसे तुम्हारे पास कोई आर्टिकल है, कोई वॉच है, राइट, उस वॉच को तुमने किसी प्राइस पे खरीदा, मान लो तुमने डब्लू प्राइस पे खरीदा। अगर आप इस वॉच को 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो तो आप कितने का सेल करोगे? डब्लू इंटू 110/100, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस। सपोज करो इसी वॉच को अगर आप 20% लॉस पे बेचते तो आप कितने का बेचते? 80/100। अगर आप इसी वॉच को 50% प्रॉफिट पे बेचते तो कितने का बेचते? 150/100। तो आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं कि स्ट्रेट अवे अगर ज्यादा परसेंटेज है तो वो ऐड करके अपॉन 100, लॉस है तो उतना कम करके अपॉन 100, अगेन ज्यादा परसेंटेज है तो उतना ऐड करके अपॉन 100 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम स्ट्रेट अवे इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन होंगे तो कुछ खास नहीं करना है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको करके बताता हूँ मल्टीपल ट्रांजेक्शन पे क्या करना है। जैसे इसमें दो ट्रांजेक्शन है, कई बार तीन चार ट्रांजेक्शन भी होते हैं, तो यू जस्ट हैव टू रिपीट द सेम स्टेप, दैट्स ऑल। चंदू सेल्स अ बाइसिकल टू पंकज एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। यानी चंदू ने अगर सी प्राइस पे खरीदा था तो उसने पंकज को किस कीमत पे बेचा? 15% का फायदा, यानी कि 115/100, राइट। आगे पंकज ने ही सेल्स इट टू नमित एट 20% प्रॉफिट, बहुत बढ़िया, 20% प्रॉफिट, यानी अब उस प्राइस पे 120/100 हम लोग करेंगे। और नमित ने किस प्राइस पे खरीदा है? He pays 3000, that means this is equal to the price. अगर इसमें आगे एक ट्रांजैक्शन और होता तो स्ट्रेट अवे हम यहाँ कर देते, राइट। सपोज करो बोला गया होता कि नमित ने आगे किसी को 20% लॉस पे बेच दिया तो हम लोग यहाँ पे क्या करते? 80/100 और इज इक्वल टू जो भी प्राइस में बिका है, वो फाइनल प्राइस जनरली आपको दे रखी होती है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है तो हम लोग यहीं पे इसको रोकेंगे और स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टू गेट द आंसर, राइट। अगर मैं कैलकुलेशन को थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूं तो हमारे पास ये है 3000, इधर हमारे पास आ जाएगा 1000 और नीचे हमारे पास है 115/12। तो सबसे पहले तो ऐसा ही तीन को यहाँ से गायब करते हैं, ये 1000 आएगा, 1000 का जीरो इधर कर देते हैं, ये 4 से चला जाएगा। इस 1000 को ऐसा इसलिए किया था ताकि मैं 25 आसानी से बना सकूं। इस 5 को यहाँ से कैंसिल किया, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 23, तो ये 50,000/23 आ रहा है।
50,000 अपॉन 23 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे समझ में अप्रोक्सीमेटली 2173.91 के आसपास आ जाना चाहिए। यानी चंदू ने ये साइकिल कितने खरीदी थी, 2173.91 रुपीस की खरीदी थी। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा, इसमें समझने वाली चीज ये थी, मुझे उम्मीद है आप इसको ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे सिक्स टाइप के तरफ। अब ये क्या है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट के ऊपर बेस्ड है। हमें इसमें देखना है कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और अ वेंडर बाइज 30 पेंसिल्स एट द मार्क प्राइस। देखो अब इसमें भी अगर तुम देखो तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो स्ट्रेट अवे यहाँ पे अप्लाई होगा। क्या करना है, एक तरफ सीपी लिखना है, एक तरफ एसपी लिखना है, ठीक है, एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी। ये रहा प्राइस और ये रही इसकी क्वांटिटी। क्या कह रहे हैं कि जब वो खरीद रहा है तो वो कितना क्वांटिटी खरीद रहा है, 30 खरीद रहा है, राइट, एट द मार्क प्राइस ऑफ 25 पेंसिल्स। अब इस तरह के क्वेश्चन में जनरली आप अगर एक्स वाई जेड ए बी सी अगर रिज्यूम करते हो तो आप अननेसेसरीली अपने लिए कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो, आप अपने लिए गलती का स्कोप बढ़ा रहे हो। आप स्ट्रेट अवे जहां कुछ भी नहीं दे रखा है आप ले लो ना, आप 1 रुपीज ले लो, 100 रुपीज ले, जो दिल करे वो ले लो। जैसे मैं इसमें मार्क प्राइस को 1 रुपए मान लूंगा, इससे मेरे लिए कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। मैं मार्क प्राइस को कितना मान रहा हूँ, 1 रुपीज। अगर मार्क प्राइस 1 रुपीज है और मैंने 30 खरीदा है 25 के रेट में, यानी कि मैंने प्राइस कितनी दी 30 के लिए, 25 रुपए, राइट, दैट इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी एंड दिस इज द प्राइस। जबकि जब वो बेच रहा है, ठीक है, कितने बेचेगा, तो ऑब्वियसली बात है 30 के 30 बेचेगा, ठीक है, तो अब वो 2% का डिस्काउंट दे रहा है, 2% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी उसे मिलेगा कितना, 30 × 0.98। आप समझ रहे हैं कि नहीं, 0.98। अब देखिए 30 × 0.98 अगर इसको आपको कैलकुलेट करने में तकलीफ होती है तो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन, देखिए मेरी भी बड़ी कमजोर है और मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ इसको मेंटली, राइट, मैं इसको 3 × 9.8 लिखने की कोशिश करता हूँ। ये माइंड में ही आप देख सकते हैं, 0 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ऐसे देख सकते हैं। और 9 × 27 का मैंने ऐसे लिखा, ये सब मेंटल वाला काम है, राइट, मैं स्ट्रेट अवे इसका आंसर लिख सकता था, बट क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 9 × 27 और 8 × 24 यानी कि 2.4, यानी ये जो चीज आ गई ये आ गई 29.4 की। आप समझ रहे हैं कि नहीं, 29.4 की, यानी ये जो बंदा है ये 29.4 कमा रहा है और 25 रुपए इसने इन्वेस्ट किए। पूछा गया भैया बताओ प्रॉफिट कितना है, तो बहुत ही आसान है, प्रॉफिट कितना हो गया, 4.4। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना था, 25 × 100। बड़े आसानी से ये वाली चीज कैंसिल हो रही है। अगेन ये कितना, इसको मेंटली कैसे देखूंगा, 16 और 1.6 यानी आंसर 17.6%। स्ट्रेट अवे आपको ऐसे कैलकुलेशन करने की हैबिट होनी चाहिए। 30 × एक बार फिर से कैलकुलेशन की टेक्निक मैं आपके साथ रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए, राइट। अगर मेरे पास ये कैलकुलेशन आ रहा है 4.4 × 4, तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं 4 × 4 = 16 ऐसे अलग से देख रहा हूँ और 0.4 × 4 = 1.6 = 16 + 1.6 = 9 = 17.6 क्वांटिटी हमने सेम कर दी। मैंने यही बताया था क्वांटिटी सेम हो जाए फिर आप उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से डील किया जाना पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ बढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम्स विद रेशियो कैलकुलेशंस। ओके आइए देखते हैं, ये हमारा 7th क्वेश्चन टाइप है। देखो कैटेगरी वाइज तो 7 क्वेश्चन टाइप पर्याप्त है, इससे बाहर कुछ और नहीं है, बट मैंने जैसा कहा प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा कर ले उतना बढ़िया है। मैंने इसी पीडीएफ में कुछ और क्वेश्चंस भी इसमें दे रखे हैं, उनमें से भी रैंडमली हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन केस अगर आपको लग रहा है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप मुझे चैट में अभी भी दे सकते हो, आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो, राइट, यू कैन शेयर एनी फाइल विद मी जो मैं अभी के अभी आपको
सॉल्व करके डिस्कस कर सकता हूँ. ठीक है, तो आइए देखते हैं फिलहाल. लेट अस सी दिस क्वेश्चन. अ वेंडर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग अ बुक एट 15% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस मार्क प्राइस. द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड बुक इज. अब देखो यहां जहां पे कोई भी कंडीशन ना हो, मैं स्ट्रॉन्गली ये सजेस्ट करता हूं आप क्या कीजिए, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लीजिए. इससे क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा. अ वेंडर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%. जैसे ही आपने कॉस्ट प्राइस को 100 माना, बिना किसी टेंशन के आपको सेलिंग प्राइस 110 पता लग गया. क्यों? बाय 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 110 रुपए का ही भी क्या होगा. हाँ, डिस्काउंट दिया गया है 15% का. डिस्काउंट अगर 15% का दिया गया है, यानी मार्क प्राइस अगर एम है, 15% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 85 m/100. ये वाली चीज किसके बराबर होगी, जो भी इस प्राइस पे उसको बेचा गया है. तो इससे हम लोग बहुत आसानी से राइट, वी हैव रिमूव्ड द ओके. तो 85 m/100 ये हमने देखा, तो हम लोग अब बड़े आसानी से m की वैल्यू यहां देख सकते हैं, 110/100/85. अगर ये आपके, देखो आप यहाँ पे मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उतना ही करो जितने में तुम्हारा काम बन जाए. जैसे ये 5 से बड़े आसानी से जा रहा है, तो आओ 5 से कर लेते हैं, ये 20 हो गया, ये 17 हो गया, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2200/17 रह गया. हमसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस अपॉन द मार्क प्राइस, दैट इज ऑल राइट. ये अगर आप देखें तो ये चीजें मेंटली करने की थी, कैलकुलेशन के नाम पे सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन है, दैट्स ऑल. इट इज अ सिंगल स्टेप क्वेश्चन राइट. सीपी अपॉन एमपी की वैल्यू हमें बतानी है राइट. तो सीपी हमारा 100 है राइट, 100 है, और एमपी ये आपका हो गया 2200/17. तो अपॉन 17 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा. सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, आपके पास रेशियो कितनी आ रही है, 17/22. दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सीपी अपॉन एमपी. एक बार फिर से आप, हालांकि मैं भी ऐसा करूंगा, इस वीडियो को ना यूट्यूब का जो हमारा प्रेपमास्टर्स वाला चैनल है, मैं वहां पे भी शेयर कर दूंगा. आप क्या करना कि आप वहां से आसानी से क्वेश्चंस को दोबारा से देख पाओगे. ठीक है, मैं लिंक भी पोस्ट कर दूंगा आपके ग्रुप पे, तो कोई भी चीज अगर एक बार में नहीं समझ में आ रही है, आप अभी भी पूछ सकते हो, बट अदरवाइज मैं वहां पे भी इसको शेयर कर दूंगा. वंस द वीडियो इज डन, इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं, मैं वहां पे शेयर कर दूंगा. आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी राइट. अगर कुछ परेशानी है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, थोड़ी भी अगर परेशानी आ रही है, बुद्धा देव एंड विशाल पाल राइट, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे पास. इसमें हम मेनली अपने डाउट्स को, अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको देखना चाहेंगे. जैसे मैंने इसमें बाइलिंगुअल थोड़ा सा होने की कोशिश की है, ताकि किसी को भी अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो नहीं होनी चाहिए. इफ अ पर्सन हैज 11 ऑरेंजेस राइट, इफ अ पर्सन हैज 11 ऑरेंजेस ओके, buys 11 oranges for 10. अब देखो यहाँ पे भी क्या करना है ना, आप इसका डायरेक्ट एक मतलब सिंगल स्टेप में इन सब का आंसर निकलेगा. एक तरफ आपने क्वांटिटी लिखी, एक तरफ आपने प्राइस लिखा. ये है आपकी क्वांटिटी और ये है आपका प्राइस. ठीक है, ये क्या है सीपी और ये क्या है एसपी. स्ट्रेट अवे यू कैन गेट द आंसर. पूछा गया व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 11 × 11 कितना आ गया 121. इसको मल्टीप्लाई किया, 10 × 10 इज व्हाट 100 divided by again the same thing 100, that is equal to the answer. What is the answer? 21%. Straight answer to the question. Okay, one line answer. फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा. ये सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि सीपी और एसपी आप इस तरीके से, ये क्वांटिटी है और ये आपकी प्राइस है राइट, वस्तु और मूल्य इस तरीके से दे रखा है, क्वांटिटी एंड प्राइस. स्ट्रेट अवे आप आंसर कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस करके लिखो, फिर जो सेम चीज आई उसको नीचे लिखो, इन 200 इज इक्वल टू द आंसर. स्ट्रेट अवे यू गेट द आंसर. आओ एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं टू गेन मोर कॉन्फिडेंस राइट. इफ अ चाइल्ड बाइज ऑरेंजेस फॉर रुपीज 16
कितने ऑरेंजेस, देखो यहाँ पे 9 होना चाहिए था, ये 9 यहाँ इंग्लिश वाले में मिसिंग है, ये 9 होना चाहिए था, पीडीएफ में ठीक कर लेना। यहाँ पे हिंदी वाले में 9 संतरे लिखे हुए हैं, यहाँ पे 9 होना चाहिए था, प्लीज ठीक कर लीजिएगा। 9 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 16 एंड सेल्स 11 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 20, अगेन बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 180, किससे घटाएंगे, इससे घटाएंगे, 16 दाएं आपका हो गया 160 और 16 यानी कितना हो गया 176, 176 डिवाइडेड बाय 176 इनटू 100। तो बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, 4 अपॉन 176 इनटू 100। क्या कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी आएगी? आई डोंट थिंक आएगी। 100 अपॉन 44 इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड आंसर। अगर फाइनल आंसर तक पहुंचना है कोई टेंशन नहीं है, पहुंच सकते हैं आप। ये 25 हो गया, ये आपका 11 हो गया, 25 अपॉन 11% कितना हो जाएगा भाई 22, और ये 3 अपॉन 11, सो द आंसर इज व्हाट 2 and 3 upon 11%, right? इस तरीके से इस क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई किया 180 इधर लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया, सब्सट्रैक्ट किया, जो इसको मल्टीप्लाई करके आया उसी से डिवाइड किया, into 100 is equal to the answer. So I hope it is clear. Next question की तरफ मूव करेंगे। By selling 200 articles, a loss equivalent to the selling price of 50 articles is incurred. Find the loss percentage. अब देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगेन इसको भी हमें थोड़ा ध्यान से करना है। यदि हमने 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि किया है तो बताइए हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो इन क्वेश्चंस में भी आप कुछ नहीं, बड़े आसानी से ये बेसिक फॉर्मूला तो जानती है ना कि लॉस का केस है, यानी क्या मतलब है कि जब हम लोग कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब क्या बोल रहे हैं कि 200 आर्टिकल हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस मान लो 1 रुपए है, अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी है पता नहीं, मान लो ऐसे हमने एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 1 रुपए मानी है, तो 200 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हमारे पास 200 रुपए आ गई, और 200 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 200s, एक की सेलिंग प्राइस एस है तो 200 कितनी है 200s। अब लॉस के बारे में क्या कह रहे हैं, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, यानी कि 50 आर्टिकल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 50s। देखो बड़े आसानी से तुम्हें ये पता लग गया कि 250s राइट इज इक्वल टू 200, यानी कि s कितना आ गया 200 अपॉन 250। आपको बड़े आसानी से ये पता लग गया कि 1 रुपए वाली चीज जो आपने खरीदी थी वो जब आपने बेची तो वो 80 पैसे की बिकी, तो लॉस परसेंटेज कितना है भाई, इट इज 20%, राइट। प्लीज लुक एट द एफर्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डील विद द क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप सही तरीके से एफर्ट्स लगा लेंगे तो क्वेश्चन को करना बड़ा आसान होता है, और अगर एफर्ट्स में कोई कमी होगी तो डेफिनेटली आपको परेशानी आएगी, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20% लॉस हो जाएगा। Let us proceed to the next question. Right. Next question हमारे पास है, a person buys, ठीक है, ask to start video, remove post, rename, non, hide non video participants, ठीक है, मैंने आपको hide कर दिया विशाल, आइए देखते हैं। So a person buys two articles for rupees 4800, one article is sold at 25% profit and the other is sold at 25% loss. इसका मैंने आपको अभी ही बताया था कि अगर दो चीजों की selling price same है, right? अगर हमारे पास selling price same है, तो straight away मैंने इसका क्या बताया था? इसमें loss हम लोग straight away निकाल सकते हैं, right? जो हमारा loss का percentage है, वो क्या होता है? X square upon 100. X की value कितनी है? 25. यानी कि 625 अपॉन 100, यानी इसमें कितना हो जाएगा हमारे पास 6.25% का लॉस हो जाएगा, ओवरऑल हमारे पास 6.25% का लॉस होगा। लेकिन क्या हमसे इन्होंने लॉस परसेंटेज पूछा है? नहीं, इन्होंने हमसे प्रॉफिट या लॉस पूछा है, लॉस निकाल देंगे, राइट। 6.25 हमें बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है, देखते हैं। बाइज टू आर्टिकल्स फॉर 4800, ओके, दो आर्टिकल जो है वो 4800 का हमने खरीदा है, दो वस्तुएं खरीदी हैं और बताना है हमारे पास कि कितना इसमें लॉस रहेगा, ठीक है। 4800 का 6.25 निकाल दीजिएगा, 12.5 कितना होता है, 1/8 होता है, ये कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, 1/16
समझ रहे हो ना ये कितना हो जाएगा 6.25 कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा 1/16 किसका निकालना है हमें 4800 का निकालना है तो बड़े आसानी से आप कह सकते थे कि लॉस कितना होगा लॉस इसमें 300 रुपए का होगा स्टेप वन स्टेप टू राइट आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थिंग्स आर इजी फॉर यू ओके सो शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अब देखो बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इनकेस अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं राइट आप हमारे से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं यू कैन आस्क तो मैं रैंडमली आगे बढ़ रहा हूँ काफी क्वेश्चंस हैं तो मैं इन क्वेश्चंस को स्किप करके आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे या कुछ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी जैसे देखो टू कार्स आर सोल्ड एट द सेम एसपी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा एसपी सेम है तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा बट हाँ यहाँ पे क्या है एक पे प्रॉफिट है और दूसरे पे लॉस है राइट अब आओ इस चीज को हम देखेंगे एसपी सेम है एक पे प्रॉफिट है दूसरे पे लॉस है तो इसके लिए तुम इसमें इस चीज को डील करने के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो राइट मैं ऐसा करता हूं कि इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूं ठीक है मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूं आप इस फॉर्मूले को परमानेंटली ध्यान रखिएगा कभी भी अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जब एसपी सेम है और प्रॉफिट लॉस परसेंट सेम है फिर तो आप स्ट्रेट अवे आंसर लिख देंगे बट अगर ऐसा नहीं है राइट हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज है वो सेम नहीं आ रहा है तो हम लोग कैसे डील करेंगे ये इस बात को भी समझते हैं तो ध्यान रखिएगा जो नेट इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है ये हमारे पास हो जाता है एक्स और प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ठीक है स्ट्रेट अवे आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे बिल्कुल बिना किसी परेशानी के जैसे आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये इसका मतलब क्या है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इसका मतलब क्या है इस चीज को समझते हैं देखो भाई एक्स क्या है 10% प्रॉफिट है तो आप उसको प्लस रखेंगे सेकेंड 5% लॉस है तो आप उसको माइनस साइन के साथ रखेंगे तो कितना हो गया -5 और x इंटू वाई यानी कि +10 इंटू -5 ये कितना हो जाएगा -50 अपॉन 100 ये हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया x की वैल्यू 10 आ गई y की वैल्यू -5 आ गई और हम यहां तक पहुंच गए अब ये क्या हो गया 5 में से आपने 0.5 सब्सट्रैक्ट करना है तो पूछा गया व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज देखो यहाँ पे जब तुम्हारे पास ओवरऑल प्लस आया है तो दैट शोज दैट यू हैव द केस ऑफ 4.5% प्रॉफिट राइट अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस आता तो हम लोग ये कहते कि ये हमारा 4.5% का लॉस है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जो हमारा फॉर्मूला वो एक्स स्क्वायर वाला निकला था कि एक्स परसेंट का प्रॉफिट है ओके और एक्स परसेंट का लॉस है तो ये कितना बनेगा माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस एक्स मिलके क्या बन जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर तो ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ये वाली चीज कैंसिल हो जाती है और आपके पास बचता क्या है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 और इसलिए नेट इफेक्ट का फॉर्मूला आपके पास ये निकल के आया था तो वो भी जो शॉर्टकट था जिसमें कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम है वो भी यहीं से निकल के आया था तो आप ये ध्यान रखेंगे कि नेट इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है आप इस तरह के क्वेश्चंस में स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हैं एसपी सेम है और प्रॉफिट लॉस परसेंट यहाँ पे डिफरेंट है हमने अभी ऐसे क्वेश्चंस किए थे जहां हमारे पास एसपी सेम था और प्रॉफिट लॉस परसेंट भी सेम था तो उसमें स्ट्रेट अवे आंसर कितना था एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इन द केस ऑफ लॉस बट अगर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट डिफरेंट है तो आप ये नेट इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा यहां से भी आप एक लाइन में आंसर निकाल पाएंगे व्हाट इज द केस द आंसर इज 4.5% प्रॉफिट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इफ द प्रॉफिट ऑन अ आर्टिकल इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द एसपी ओके फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट विद रेफरेंस टू सीपी देखो जनरली कभी भी तुम्हारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और अगर ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में तो आप ध्यान रखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में इन्होंने प्रॉफिट के लिए बोल रखा है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एसपी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बड़े आसानी से हम लोग निकाल लेंगे क्या करेंगे भाई हम क्या करेंगे हम लोग एसपी को मान लेंगे 100 ठीक अगर एसपी को हमने 100 माना तो इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट इज 20% ऑफ द एसपी यानी प्रॉफिट कितना हो गया 100 रुपए बहुत ही बढ़िया तो सीपी कैसे निकालते हैं एसपी माइनस दिस यानी कि 80 रुपए ये हो गया पूछा गया व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू सीपी स्ट्रेट अवे द प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100
20 upon 80 into 100. Straight away you get the answer, which is 25%. ठीक है, ध्यान रखने वाली चीजें हैं, आसानी से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. अब देखिए, what should be the markup percentage so as to make a profit of 44% after giving a discount of 10%. बहुत बढ़िया. क्या करोगे? बिल्कुल वही काम करना है. सीपी को हमने 100 एज्यूम करना है. जैसे ही हमने सीपी को 100 एज्यूम किया, हमें एसपी की वैल्यू पता लग गई. एसपी कितना आ गया भाई? कह रहे हैं प्रॉफिट 44% का है, यानी एसपी कितना हो गया? 144. अब क्या कह रहे हैं? डिस्काउंट आपको कितना देना पड़ा? 10% का. यानी मार्क प्राइस अगर एम है तो 10% आपने डिस्काउंट दिया तो कितने का हुआ? 90 m/100. एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द एसपी. यहां से आप बहुत आसानी से इस बात को बता सकते हो कि M की वैल्यू कितनी आ गई. M की वैल्यू आपके पास 160 आ गई. 100 रुपए की चीज अगर 160 रुपए की बिक रही है तो उसको मार्कअप कितना परसेंट किया गया है? 60%. बड़े आसानी से आप इस बात को समझेंगे और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60%. ठीक है, व्हाट शुड बी द मार्कअप परसेंटेज? 100 रुपए की चीज को 60 रुपए को मार्कअप किया गया, यानी व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज? It is 60%. ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे. ओके, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द परसेंटेज प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹56 इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू द सीपी. फाइंड द सीपी. नाउ अगेन दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई होप आप कर सकते हैं इसको, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. कुछ बेहतर क्वेश्चन हमारे पास इस पीडीएफ के लास्ट में है, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ. इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट. ही ऑल्सो यूजेस वेट्स एट 20% लेस देन द क्लेम्ड वेट. अब देखो यहाँ पे डबल घपला हो रहा है, इसको हमें डिस्कस करना चाहिए. एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं जिस बटखरे का प्रयोग करता है वो 20% कम है, कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा? व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट? नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. मैंने आपके लिए देखो अभी यहाँ पे वो फॉर्मूला जो था बेसिक कॉन्सेप्ट एरर इज इक्वल टू, जो मैंने आपको परसेंटेज प्रॉफिट का एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जब एरर इस तरीके से हो तो स्ट्रेट अवे मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि एरर अपॉन जो भी आपका एक्चुअल वेट है, राइट, जो होना चाहिए, माइनस एरर इनटू 100. ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. स्ट्रेट अवे आपको इसमें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये बताया था. आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो. बट इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये शायद फेल हो जाएगा, राइट. ये जो फॉर्मूला है ये शायद इतने अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगा. तो आप देखो इसको कैसे करेंगे. इसको हम लोग सिर्फ एक ही तरीके से करेंगे जो मैंने आपको बताया था. क्या बताया था मैंने आपको? ये बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप ये देख लो कि उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसकी प्राइस कितनी है, उसका एसपी देख लो और उसका सीपी देख लो. काम खत्म. इतने से ही आपका काम खत्म. ठीक है, आओ चीजों को. और हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल्स को अवॉइड करना है. हमें वेरिएबल्स कम से कम यूज करने हैं, नंबर्स में ज्यादा काम करना है. जैसे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, कह रहे हैं शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट. मैं मान लेता हूँ 100 मानना मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मैं मान लेता हूँ कि 1 किलो है. ठीक है, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम क्वांटिटी. ठीक है, वो 100 रुपए का खरीदता है. ओके, 100 रुपए खरीदता है. जब वो बेचता है तो 10% फायदा लेता है, यानी कि 110 रुपए का बेचेगा. ये आ गया आपका एसपी. और वेट 20% कम यूज करता है क्लेम्ड वेट से. क्लेम्ड वेट 1000 ग्राम है, वेट कितना यूज करेगा एक्चुअली में? 800 ग्राम यूज करेगा. बस देखो क्वेश्चन ना बिल्कुल साफ दिखने लग जाता है. द मोमेंट यू राइट दिस थिंग द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन, राइट. अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सेम क्वांटिटी होना चाहिए. यहाँ 800 ग्राम एसपी के लिए है और 1000 ग्राम सीपी के लिए है. बस क्वांटिटी सेम कर दो ना. 800 ग्राम का एसपी कितना होगा भाई? 80 रुपए नहीं होगा क्या? राइट. तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि 80 रुपए वाली चीज 110 रुपए की बिक रही है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे देखोगे आप? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. दैट इज ऑल.
बड़े आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। 25/2 यानी 75/2, 75/2 मेरे ख्याल से 37.5%, तो द आंसर इज 37.5% प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनकेस अगर कुछ डाउट रह जाता है, मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे प्रेप मास्टर्स के चैनल पे अपलोड करूंगा, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई अपलोड इट देयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस थोड़े बढ़िया वाले हैं, राइट। देखो, मैंने इसमें ये ध्यान दिया है कि आजकल एग्जाम्स का जो स्तर है ना, उसमें काफी बदलाव आ रहा है, राइट। उसमें काफी चेंजेस आ रहे हैं और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो रेगुलरली इंप्रूव होते जा रहे हैं, बढ़िया होते जा रहे हैं, वो अच्छे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट में जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं वो जो जनरली बैंक एसएससी के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ये कैट और सीसेट लेवल के क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, ताकि हम इसको करने में अगर कंफर्टेबल हो जाएं तो डेफिनेटली बाकी क्वेश्चंस को, हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जैसे इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी होती है, ठीक है, तो उसे हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है। आइए जैसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे असाइनमेंट शीट से है, काफी क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक, राइट। आइए इसको हम लोग देखेंगे, इसको कैसे डील करना है। अ सेल्स पर्सन यूज्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 9% ऑफ हिज टोटल सेल्स फॉर अ मंथ, कितना मिल रहा था उसे, 9% मिल रहा था। विद अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही नाउ गेट्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹3,000 पर मंथ प्लस अ कमीशन ऑफ 5%। यहां तक पढ़ के मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि पहले वो जितना भी बेच रहा था उसको उसका 9% कमीशन मिल रहा था, यानी अगर वो कुछ भी नहीं बेच रहा है तो उसको ₹0 मिलेंगे। अब उसका टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गया, अब क्या हुआ कि उसको ₹3,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो कुछ बेचे या ना बेचे, प्लस 5% कमीशन भी मिलेगा। किस पे, सेल्स ओवर ₹10,000, ₹10,000 से अधिक अगर वो सेल करेगा तो उसको 5% कमीशन उस पे मिलेगा, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन द अमाउंट्स दैट ही रिसीव्ड लास्ट मंथ एंड दिस मंथ इज ₹400, दो द टोटल सेल्स वर सेम, टोटल सेल्स सेम थे लेकिन फिर भी उसका जो डिफरेंस था वो ₹400 का था, तो पूछा गया बताओ टोटल सेल्स कितने थे। अब देखो, हमें ये बात तो नहीं मालूम है कि इनकम किस केस में ज्यादा होगी किस केस में कम होगी, तो मैं यहाँ पे जनरली मैं ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि एक वेरिएबल्स अज्यूम नहीं करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रेट अवे मान लीजिए आपको ₹X आपने टोटल सेल्स थे, तो 9% आप ₹X का देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9x/100, यानी फर्स्ट केस में उसको इतना कमीशन मिल रहा होगा, राइट। अब उसको कितना कमीशन मिल रहा है, अब उसे ₹3,000 मिल रहे हैं, ठीक है, अब उसे ₹3,000 मिल रहे हैं, प्लस जो 10,000 से ऊपर की सेल है, यानी कि X-10,000, राइट, X-10,000, इस पे इसे कितना कमीशन मिल रहा है, 5%, 5%, एंड दिस इज इक्वल टू 400, ये जो चीज है किसके बराबर है, 400 के बराबर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम जैसी एक्स की वैल्यू निकालेंगे विल बी एबल टू गेट द आंसर, राइट, कर लेंगे, आई होप कर जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। A man sold his computer at a loss of 5%. Had he sold it for ₹2,250 more, he would have made a profit of 10%. What is the cost price of his computer? बहुत बढ़िया। अब अगेन देखो, आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि जैसे मान लो 5% का लॉस है, राइट, यानी वो 95% पे सेल हुआ, राइट, 95% ऑफ एक्स, और अगर 10% प्रॉफिट पे होता तो वो कितने का सेल होता, 110x/100, और इस चीज की वजह से जो उसे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, ₹2,250 मिल रहे हैं, तो क्या एक्स की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, डेफिनेटली यस, 10 इधर और 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 15x/100। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2250 × 100 को मैं इस प्रकार से लिखना चाहूंगा, 100 का 1000 कर दिया, और ये पैसा इसलिए किया कि 15 से बड़े आसानी से कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, यानी व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर, तो बड़े आसानी से आपको दिख गया कितने कॉस्ट प्राइस है, 15,000।
तो आप ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं। ट्रिकी है बट हाँ मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार करना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे, आपसे होते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। बैंक एसएससी के लेवल में इस तरह के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, ये हार्डकोर कैट और सीसेट लेवल है, लेकिन हाँ लुकिंग इनटू द फैक्ट कि अब टीसीएस एग्जाम करा रही है और वो बहुत फ्रीक्वेंटली लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे डिफिकल्टी में चेंज करते जा रहे हैं, इसको डील करने के लिए आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या? प्राइस ऑफ सीपी और प्राइस और क्वांटिटी वाला जो टेबल मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से डील होगा। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। अ ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। दोनों जगह पे घपला कर रहा है, जहां से खरीद रहा है वहां भी घपला कर रहा है और जिसको बेच रहा है वहां भी घपला कर रहा है। When he buys from the supplier, he takes 10% more, यानी अगर उसने 100 किलो मांगा तो 100 किलो नहीं लिया, उसने 100 किलो की जगह पे कितना ले लिया, 100 किलो की जगह पे उसने ले लिया 110 किलो जब खरीद रहा है, तो 10% मोर देन द इंडिकेटेड वेट। ठीक है, When he sells to his customer, he gives 10% less, यानी अब जब अगर वो बेचेगा तो 100 किलो बोल के 90 किलो देगा। If he sells at the cost price, वही वाली बात है, charges the cost price as indicated weight। अब कुछ नहीं करना, वही पुराना टेबल आपको सामने बनाना है और आंसर आपको सामने दिखेगा। ये रही प्राइस, ये रही हमारी क्वांटिटी, क्या करेंगे, ये सीपी के लिए लिख लो और ये एसपी के लिए लिख लो। जब वो खरीदने गया, मान लो 100 रुपए की चीज है, ठीक है 100 रुपए की चीज है, तो उसने एक किलो, मान लो 100 किलो ले लो यार, राइट 100 किलो ले लो, 1 रुपए किलो हमने कीमत मान ली, ठीक है 1 रुपए किलो हमने कीमत मान ली और 100 किलो खरीदने गया, तो 100 रुपए की प्राइस में वो लेके कितना आएगा, 10 किलो घपला करेगा, यानी कि 110 किलो लेके आएगा। एसपी तो अभी भी 100 रुपए ही रहेगा, जितने का बेच रहा है उतने खरीद रहा है एज पर द क्वेश्चन, लेकिन अब वो दे कितना रहा है, 90 किलो दे रहा है, तो बस काम खत्म हो गया ना। मैंने क्या बोला, बस क्वांटिटी को आप सेम कर दीजिए, काम खत्म। क्वांटिटी को आपने जैसे ही सेम किया, काम खत्म। जिस क्वांटिटी के लिए सीपी उसी क्वांटिटी के लिए एसपी। क्या किया जाए, ऐसा करते हैं, एक तो इसका जीरो हटा देते हैं, 110 किलो अगर 100 रुपए का है तो 11 किलो कितने का है, 10 रुपए का, ये 9 किलो कितने का है, इतने का। मैं इसको 9 से गुना करता हूं तो ये बन गया 90, और इसको 11 से गुना करता हूं तो ये बन गया 110, बस काम खत्म। मैंने क्या बोला, बस क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ध्यान से देखो, 11 × 9 = 99 kg, 9 × 11 = 99 kg, क्वांटिटी सेम हुई नहीं, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। उसी क्वांटिटी की सीपी 90 रुपए है, जिस क्वांटिटी की एसपी 110 रुपए है। प्रॉफिट परसेंट पूछना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। व्हाट इज द प्रॉफिट, द प्रॉफिट इज 20 रुपीज, व्हाट इज द सीपी, इट इज 90 इनटू 100 इज इक्वल टू द आंसर। 1/9 इज 11.1/9 एंड 2/9 इज डेफिनेटली 22 एंड 2/9, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डेफिनेटली अ गुड क्वेश्चन, समझ में आ गया, वेरी गुड। इनकेस अगर थोड़ी भी परेशानी है तो आप इसको यूट्यूब पे दोबारा से देखिएगा, उसके बाद भी समझ में परेशानी है आप बेशक मेरे से दोबारा पूछिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, चैनल पे बताइए अगेन। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पढ़ने में लगता है, जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, ये पढ़ने में बिल्कुल सिमिलर है, बट क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग लगाना है। क्या कह रहे हैं, A trader cheats both his supplier and customer by using false weights. Okay. While buying from his supplier, he takes 10% more than the indicated weight. ये वाली statement तो यहाँ तक बिल्कुल same है जो last question में था. When he sells to his customer, he gives the customer a weight such that if 10% of that is added to the weight claimed by the trader is obtained. अब देखो ये अलग है, राइट, जो क्लेम कर रहे हैं उतना तब ऑब्टेन होगा जब 10% हम उसमें ऐड करेंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि 10% घपला कर रहा है, ये कह रहे हैं कि यहां तो कुछ लैंग्वेज ही मेन चीज है, लैंग्वेज और कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, करना क्या है वही चीज करनी है, हमने देखना है कि किस क्वांटिटी के लिए क्या प्राइस लगा रहे हैं, किसके लिए, सीपी के लिए और एसपी के लिए। ये हमने सीपी और एसपी का फटाफट से चार्ट तैयार कर लिया और हमने देखना शुरू किया कि क्या कर रहे हैं। ठीक है,
अ ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर. अभी तो वही बेसिक चीज है क्या कि वो 100 किलो की जगह पे 110 किलो खरीद के लाएगा. क्वांटिटी कितने रुपए का? 100 रुपए का, 1 किलो प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने ले लिया, राइट. 10% एक्स्ट्रा लिया, यानी कि इतना लिया, ठीक है. जब उसने बेचा तो अब देखो यहां पे ध्यान से पढ़ना. व्हेन ही सेल्स टू हिज कस्टमर ही गिव्स द कस्टमर अ वेट सच दैट 10% इज एडेड टू द वेट द क्लेम्ड वेट इज ऑब्टेन्ड. यानी कि अगर वो एक्स केजी दे रहा है तो एक्स केजी का जब हम 10% ऐड करेंगे कितना मिलेगा मुझे? 110x/100, राइट. तो हमें वो वैल्यू ऑब्टेन होगी जो कि उसने क्लेम कर रखा है. यानी ये वैल्यू कितना क्लेम कर रखा है? 100 किलो क्लेम कर रखा है. यानी ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए. यहां से हमें एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी जो वो उसको दे रहा है, राइट. दिस इज इक्वल टू 100. तो यहां पे हम लोग अगर एक्स की वैल्यू देखना चाहें तो ये हमारा 1000/11 आ रहा है, ठीक है. यानी जब वो सेल कर रहा है तो वो कितने का सेल कर रहा है? 1000/11 का सेल कर रहा है. अगेन मैंने आपको बताया था क्वांटिटी को सेम कर लीजिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है. जैसे अब क्वांटिटी यहाँ पे 110 है और यहाँ पे क्वांटिटी बेचते हुए कितना है? 1000/11 है. क्वांटिटी सेम करने के लिए मैं इसको पहले 00 कैंसिल कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं, दोनों तरफ कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है. यानी अगर 110 किलो जो है 100 रुपए का था तो 11 किलो कितने का है? 10 रुपए का. अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी हमने चेंज किया. अब यहाँ पे हमारे पास 11 है और यहाँ पे हमारे पास 100/11 है, कोई टेंशन नहीं है. मैं ऐसा करता हूँ, इसको इसको मैं 121 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. अगर मैं 121 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ मेरे पास आ गया 1100. ऑब्वियस सी बात है ये भी 121 से मल्टीप्लाई होगा. तो समझने की बात हमारे पास बहुत छोटी सी है कि 1100 किलो के लिए जो एसपी है वो है 1210 और यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए? 1100 चाहिए. तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1100 ये हो गया और ये हमारे पास आ गया 1000. बस काम ही खत्म हो गया ना भाई. अब देखो तुम्हारे पास 1000 रुपए की चीज 1210 रुपए की बिक रही है, यानी 210 रुपए का फायदा हो रहा है. व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, 210/1000/100. तो जैसे ही आपने क्वांटिटी को सेम किया नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं. इसमें एक स्टेप बस आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा कि आपको ये देखना पड़ा कि सेलिंग प्राइस में वो कितना क्वांटिटी दे रहा है. बिकॉज ये चीज यहाँ पे लैंग्वेज से क्लियर नहीं थी, इसको हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि व्हेन ही सेल्स टू हिज कस्टमर ही गिव्स अ वेट सच दैट इफ 10% इज एडेड टू द वेट द क्लेम्ड वेट इज ऑब्टेन्ड. तो हमने इस बात को पहले निकाला कि भाई कितना वेट को दे रहा है. एक बार ये चीज निकल के आ गई तो फिर कहानी वही पुरानी चल रही है. आइए आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू द लास्ट 2-3 मिनट्स ऑफ द वीडियो, वी आर अबाउट टू फिनिश दिस, राइट. बुद्धदेव जी, मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा और मैं कोशिश करूंगा हर 2 दिन में या रोज आपके लिए कुछ ना कुछ लाइव वीडियोस बनाऊं. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ 50 kg बैग ऑफ सीमेंट इज ₹90. इट इज सोल्ड फॉर ₹120. द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ टैक्स ऑफ 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इफ द गवर्नमेंट चेंजेस इट्स पॉलिसी एंड लिवाइज 10% टैक्स ऑन द सेलिंग प्राइस इंस्टेड ऑफ द कॉस्ट प्राइस, बाय व्हाट परसेंटेज डज द प्रॉफिट डिक्रीज? अज्यूम दैट द सेलिंग प्राइस इज अनचेंज्ड. ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगेन अभी के टाइप से नहीं है. ये वो टाइप है जो एग्जाम में हो सकता है, अभी नहीं आ रहा है. बट हाँ, आपको पता है कि बहुत चेंजेस हो रहे हैं आजकल, इसको भी बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे, राइट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ 50 kg बैग इज 90, ठीक है. हम जो टोटल कॉस्ट होती है वो हमेशा एक्चुअल कॉस्ट प्लस जो भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं उस पर भी हम देखते हैं, ठीक है. तो 90 rupees तो इसकी हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी. एंड इज सोल्ड एट सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? 120 rupees का. सेलिंग प्राइस हमारे पास 120 rupees का, एक बैग पे 90 rupees ये प्लस 120 rupees. गवर्नमेंट इम्पोजेस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि 9, यानी कि इस केस में जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो एक्चुअली में 99 है. दिस इज केस 1.
ठीक है, दिस इज योर केस वन सी वन. केस टू की बात करेंगे. केस टू में क्या कह रहे हैं, इफ द गवर्नमेंट चेंजेस इट्स पॉलिसी एंड लिवाइज 10% टैक्स ऑन द सेलिंग प्राइस, यानी कि अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 90 रुपए ही है, सेलिंग प्राइस हमारा 120 रुपए ही है, लेकिन अब जो हमारा प्रॉफिट पे जो हमारा जो टैक्स लग रहा है वो सेलिंग प्राइस पे लग रहा है, तो 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, दैट इज 12 रुपीस. ठीक है, व्हाट डज द बाय व्हाट परसेंट डज द प्रॉफिट डिक्रीज. देखिए प्रॉफिट एक्चुअली में आपको फर्क कितने का पड़ा, 3 रुपए का फर्क पड़ा, राइट. अंतर सिर्फ यहीं पे तो आया, बाकी सब तो सेम है. ध्यान से देखो, सिर्फ ये 9 जो है ये 12 रुपए बन गए. यानी अब पूछा इन्होंने By what percent does the profit decrease? तो profit कितना था आपका? Profit decrease कितना हुआ? 3 रुपए से decrease हुआ. Profit था कितना? Right? आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ आपका profit है 21 रुपए का. Right? By what percent is the profit decrease? ध्यान रखना, कभी भी जो भी percent बोल रहे हैं ऊपर वो जो आएगा और जिससे तुलना करनी है वो नीचे. Right? तो हमने इसको solve किया. ये हमारे पास आ गया 100 upon 7%. अगर आप देखेंगे तो ये 14.28 यानी कि 49.27 हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन इज नॉट अगेन वेरी डिफिकल्ट, राइट. यू जस्ट गॉट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी माइन्यूटली. ओके, 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट. लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास. आइए इस क्वेश्चन को हम अपना लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे. 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% and the remainder at a loss of 2%. If the total profit is this much, अब देखो consignment की value बतानी है, कोई problem नहीं है. Again x y z की जगह पे अगर आप numbers assume करें तो बहुत अच्छा है. मैं इसको 300 ले रहा हूँ. क्यों? क्योंकि 2/3 की बात कर रहे हैं. 300 है तो 2/3 कितना हो गया? 200. remaining कितना हो गया? 100. अब जो 2/3 है इस पे profit है 5% का. 5% का profit, अगर 10% होता तो 20 रुपए होता, 5% है तो 10 रुपए है. यानी ये हमारी कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा प्रॉफिट है. ठीक है, एंड द रिमेनिंग एट 2% लॉस, यानी कि ये हमारा यहाँ पे 2% का लॉस है, -2. ओवरऑल आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 10 में से 2 गया, 8 रुपए का प्रॉफिट है. हमारे सिस्टम का 8 रुपए इनके सिस्टम के 400 के बराबर है, दे रखा है. टोटल प्रॉफिट इज 400, तो हमारे सिस्टम का 1 इनके प्रॉफिट के 50 के बराबर है, 400 upon 8. तो हमारे सिस्टम का 300 कितना होगा, यही तो पूछा है. That is all. 300 into 50, the answer is what? 50,000. So I'll stop it here. I hope I could make you learn a few things. And in case you have any doubt, you can always comment me. You can always post it on the group, on the Facebook page, on the Telegram channel, जहाँ पे भी आप हमसे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप अपने comments बताइए. और जो भी टॉपिक आप नेक्स्ट करना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं. मैं जनरली टॉपिक्स वही पिक करता हूँ जो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं. ये टॉपिक भी किसी ने रिक्वेस्ट किया था, उनके रिक्वेस्ट पे ही ये पोस्ट किया गया है. सो थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.